Hello everyone, we are the team of Monica's Nursing Academy. So today we will discuss about schizophrenia. Firstly, we will discuss ki the word schizophrenia is derived from Greek language where schizo means split and phrenic means mind. Nextly, schizophrenia word is given by Eugene Bleuler in 1911. Yahan se question aata hai ki who gave the word schizophrenia. Schizophrenia word is given by Eugene Bleuler in 1911. Next, we will discuss about definition. So, schizophrenia is a group of disorder which is characterized by disturbance of thinking, mood and behavior. Schizophrenia group of disorder hai jisme thinking, mood or behavior mein disturbance dekhne ko milti hai. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जिन्हें हम ब्लूलर्स 4A सिम्टम के नाम से भी जानते हैं और ब्लूलर्स क्राइटेरिया फॉर स्किज़ोफ्रेनिया भी जानते हैं. यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि दीज ऑल आर द 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एक्सेप्ट और ब्लूलर 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया आर ऑल एक्सेप्ट. तो दीज आर A for associative loosening, A for autism, A for ambivalence, A for affect inappropriate. Associative loosening means thought disorder. ये एक तरह का thought disorder होगा patient के अंदर. Next we will discuss about autism. Autism जो है वो self-centered, मतलब यहाँ पे individual अपनी ही दुनिया में खोया रहेगा. Ambivalence, ambivalence का मतलब है कि दो contradictory ideas एक साथ एक time पे patient के दिमाग में आएंगे. अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट, अफेक्ट इज रिलेटेड टू मूड और इमोशंस. तो यहाँ पे हम पेशेंट के मूड और इमोशन की बात करें तो दे आर नॉट अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन. वो कुछ अलग ही देखने को मिलेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में आते हैं डिल्यूजन. डिल्यूजन आर फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स, ग्रैंडियोसिटी, पेशेंट को लगता है ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन. नेक्स्ट एग्रेशन, मतलब पेशेंट हमेशा एग्रेसिव रहेगा. नेक्स्ट हेलुसिनेशंस, मतलब इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई पेशेंट को फिर भी सेंसेशन फील होगी. एजिटेशन, एजिटेटेड रहेगा. डिजायर बिहेवियर, बहुत अजीब सा बिहेवियर शो करता है. सस्पिशियस, शक्की नेचर का होगा, एक्साइटेड रहेगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. नेगेटिव सिम्टम्स में आता है ब्लंट अफेक्ट और फ्लैट अफेक्ट. मीन्स वी वर टॉकिंग अबाउट मूड, पेशेंट का ब्लंट होएगा, फ्लैट होएगा हर जगह पे, चाहे दुख हो चाहे खुशी हो. एपैथी मीन्स लैक ऑफ इमोशंस. हम बोल सकते हैं यहाँ पे पेशेंट में इमोशंस कम होंगे, लैक ऑफ इमोशंस. एनहेडोनिया मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में पेशेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है. एबॉलिशन मीन्स लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब पेशेंट किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेगा. लैक ऑफ इनिशिएशन भी हम इसे कह सकते हैं. अलोगिया मीन्स लैक ऑफ स्पीच, इट इज़ रिलेटेड टू स्पीच, पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक. थॉट ब्लॉकिंग में पेशेंट को लगता है कि उसके थॉट्स ब्लॉक हो गए. सोशल विथड्रॉल में पेशेंट को लगता है कि पेशेंट को क्या लगता है, मतलब यहाँ पे पेशेंट हर सोसाइटी के हर वर्क से अपने आप को विथड्रॉल कर देता है, किसी में भी इंटरेस्ट शो नहीं करता है, किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, हेल्पलेस फील करता है एंड सुसाइडल टेंडेंसीज यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया वर गिवन बाय स्कैंडर्स. उन्होंने हमारे पास दिए थॉट विथड्रॉल, थॉट इंसर्शन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, डिल्यूजनल परसेप्शंस, मेड वॉयलेशन और एक्ट, मेड इम्पल्सिस एंड मेड फीलिंग. इन्होंने 3T, 3T, 1D एंड 3M दिए हुए हैं, जहाँ पे पेशेंट को लगता है कि उसके थॉट्स को उसके दिमाग से कोई निकाल रहा है, थॉट्स को उसके दिमाग में कोई डाल रहा है, इंसर्शन. थॉट ब्रॉडकास्टिंग मतलब सबको उसके थॉट्स के बारे में पहले पता लग जाता है. डिल्यूजनल परसेप्शन हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट के फॉल्स फिक्स बिलीव्स हैं. मेड वॉयलेशन, मेड इम्पल्सिस, मेड फीलिंग, यहाँ पे पेशेंट को लगता है कि कोई उसे इस तरह का बना रहा है कि वो वॉयलेशन कॉज करे, वो उस एक्ट को करे, उसकी इम्पल्सिस वो खुद नहीं आती अंदर से, कोई उसके अंदर बनाकर भेज रहा है, उसकी फीलिंग्स को भी कोई और बनाकर भेज रहा है. थैंक यू. फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.